हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। स्वागत है आप सबका एक और शानदार सेशन में। मेरा नाम है समरेश श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको 1000 बेहतरीन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूं जीके के, जो आपके ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। वैसे तो ये हमारा रेलवे ग्रुप डी रिविजन का कोर्स चल रहा था, ये है हमारा 17 अगस्त को पेपर, तो उस एग्जाम के लिए तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा जो आपके आने वाले एग्जाम्स है, जैसे कि एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, ठीक है, एसएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, एफकैट हो, वन डे आपका कोई भी एग्जाम हो, उन एग्जाम्स के अंदर ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे। अभी तक की हमारी जो क्लासेस हैं वो लाइव चल रही थी, 9 सेशंस मैं ले चुका हूं, तो लाइव आज किसी कारणवश मैं आपकी क्लास लाइव नहीं ले पाऊंगा, तो ये रिकॉर्डेड सेशन मैं आपको दे रहा हूं। 10th सेशन है ये, बाकी आपको लेक्चर्स देखने हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहां पे आपको पिछली क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। एक दूसरे से क्लासेस कनेक्टेड नहीं है, आप किसी को भी कहीं से भी देख के कहीं पे भी बैठ के आराम से अपनी जीके को रिवाइज कर सकते हो। इस सेशन की यही खास बात है, ठीक है, तो आप आराम से बैठिए, रिवाइज कीजिए। आज की ऑलमोस्ट ये मेरे हिसाब से लास्ट क्लास होगी। अभी तक मैं आपको 1000 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा चुका हूं, हर क्वेश्चन के साथ कम से कम मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चंस देता हूं, तो ये बात आपको दिख जाएगी। जो बच्चे नए हैं, आप खुद आज की क्लास देखना और उसके बाद में आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। ये आपके एग्जाम में आने वाले डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और इन क्वेश्चन को हम किस तरीके से सिस्टमैटिकली यहाँ पे कवर करते हैं तो वो आज आपको दिख जाएगा, जो बच्चे नए हैं, और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो देखते ही हैं। प्रीवियस मेरे जो सेशंस हैं वो जरूर जाके देख लेना, तभी आपको एक कंटिन्यूटी मिलेगी। और एक बहुत शानदार अनाउंसमेंट है क्लास के बीच में, तो क्लास आराम से ध्यान से बैठ के सुनना। आप चाहो तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, यह आपकी अपनी चॉइस है। तो शुरू कर देते हैं आज का पहला क्वेश्चन और एक के बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, मजे से बैठ के इस क्लास को एंजॉय कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, हु बिल्ड द विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, विजय का टावर किसने बनवाया था? तो अब इस क्वेश्चन से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पहली चीज तो ये कि भाई विजय स्तंभ है कहां पे, तो आपका आंसर हो गया चित्तौड़गढ़, ठीक है। दूसरा सवाल है कि बनवाया कब गया था, तो क्या हुआ था 1448 के अंदर, ये साल ध्यान रखना, इस वक्त दिल्ली में सैयद डायनेस्टी का राज था, है ना, सैयद शासन चल रहा था। लेकिन मेवाड़ के अंदर क्या हुआ था कि भाई राणा कुंभा जो थे, ये मेवाड़ के थे राजा, और इनके ऊपर अटैक करता है, बैटल ऑफ सारंगपुर होती है जिसके अंदर आता है महमूद खलजी। महमूद खलजी ये नाम आप ध्यान रखेंगे और इससे रिलेटेड जो बैटल है वो भी आप ध्यान रखोगे, क्या नाम है उस लड़ाई का, बैटल ऑफ सारंगपुर, और ये ईयर भी आपको ध्यान रखना है। तो जब ये वाली लड़ाई होती है तो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए विजय स्तंभ बनवाते हैं राणा कुंभा। तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया, 1448 में ये बैटल होती है। ये वाला जो विजय स्तंभ है ये कौन से भगवान को समर्पित है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आपका जवाब बनेगा लॉर्ड विष्णु। क्या जवाब बनेगा? लॉर्ड विष्णु। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने एक बार और देख लेते हैं इसमें से और क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई टावर ऑफ विक्ट्री चित्तौड़गढ़ की। दूसरी चीज, अब मैं इसको एरेज कर रहा हूं, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में मेरी लास्ट क्लासेस देखिए, उसमें मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं कि अकबर के साथ महाराणा प्रताप की बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576, मानसिंह फोर्सेस को लीड कर रहा था, तो ये बड़ी ऐतिहासिक बैटल थी। तो महाराणा प्रताप के बारे में मैं बता चुका हूं, दोबारा से पूरी कहानी नहीं बताऊंगा। अब आ जाते हैं राणा संगा पे। तो राणा संगा से जो इंपॉर्टेंट बैटल आपको ध्यान रखनी है वो है बैटल ऑफ खानवा। कौन सी? बैटल ऑफ खानवा। ये आगरा के पास एक जगह है, यहां पे इसकी लड़ाई होती है बाबर के साथ। और जैसा कि आपको पता है, जब जब क्वेश्चन आता है मुगल डायनेस्टी से, जब जब क्वेश्चन आता है मेरी क्लासेस के अंदर, आप देख लीजिए दिल्ली सल्तनत से, तो मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू देता रहता हूं। तो बाबर के बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में जरूर बताया, फिर से एक बार बता दे तो 1526 में इसकी इब्राहिम लोदी के साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है और बाबर उसके बाद से इंडिया में पक्का हो जाता है। उसके बाद में यह बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ता है बैटल ऑफ खानवा की,
जो 1527 के अंदर होती है, किसके किसके बीच में, राणा संगा और बाबर के बीच में, ठीक है। तो ये लड़ाई आपको इससे ध्यान रखनी है। 1527 इसकी ना 4 साल बैटल ही रही, फिर 1530 में इसकी डेथ हो गई थी बाबर की। 1528 की भी बैटल आप देख लीजिए इनकी। तो मैं फटाफट करवा रहा हूं, क्वेश्चन है बहुत सारे, जो मेरी बात मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉर्डेड सेशन है, आराम से पॉज करके देखो, चीजों को नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, और बीच में यार रोक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर बोल रहा हूँ आपके लिए बहुत मेहनत लगती है, अभी तक मैं आपको 10 सेशन जो दे चुका हूँ ना, आप एक के बाद एक के बाद एक जब आप देखोगे आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि हाँ हमारा कहीं ना कहीं लेवल बड़ा है, हम लोग कहीं ना कहीं, आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगा। देखिए ये रिविजन कोर्स तो है, बट मैंने आपको हर क्वेश्चन के साथ ऑर्गेनाइज वे में इंफॉर्मेशन दी है, और आपके पेपर में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, आप जब जाओगे आपको पता लगेगा। और आगे आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बहुत शानदार चीजें आने वाली हैं, आपको मैं पॉलिटी पूरा फाउंडेशन करवाऊंगा, आने वाली क्लासेस आपको उससे रिलेटेड मिल जाएंगी, पूरा का पूरा पॉलिटी किसी भी एग्जाम के लिए वहां से कवर कर सकते हो, और आपका सपोर्ट रहेगा, हम और सब्जेक्ट्स भी कराएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग हमें कितना सपोर्ट करते हो, उस हिसाब से आपको चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे देते हैं, एक से एक प्रोडक्ट्स हम आपके लिए लेके आते हैं मार्केट में भी। तो अभी आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, बाबर के साथ हो गई लड़ाई भाई 1526 की, मैं आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बता रहा हूं, और ये वाली लड़ाई हुई थी 1527 में, ठीक है। फिर क्या होता है 1528 की बैटल भी आप ध्यान रखेंगे, ये नाम है इसका बैटल ऑफ चंदेरी। कौन सी, चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी। ये नाम डायरेक्टली पेपर में पूछ लेता है, ईयर पूछ लेता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं किसके साथ होती है, मेदिनी राय के साथ ये बैटल होती है। ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, किसकी, बाबर की। बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ कानवा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद में 1530 में आपसे पूछ सकते, देखिए बाबर ने अपना ऑटोबायोग्राफी का नाम आपसे पूछ लेगा कि भाई बाबर नामा जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी, तो नाम से पता लग रहा है बाबर की है ना। और बाबर नामा आपसे पूछ लेगा जो बाबर नामा है वो एक्चुअल में किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो बाबर नामा जो एक्चुअल लैंग्वेज में लिखी गई है वो है टर्किश, तुर्की भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसको बाद में पर्शियन में बदला था। तो भाई इसे पर्शियन में किसने बदला था, तो इसको पर्शियन में बदला था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ये मैं आपको लास्ट क्लासेस में कहीं ना कहीं बता चुका हूं, जो मैंने अकबर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये बात हो गई है बाबर की। बाबर का जो आपसे पूछ ले कि भाई इसका टॉम्ब कहां पे है, बाबर का मकबरा, तो आप बताएंगे जी काबुल से है, ठीक है। और देखिए आप क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ था, और मैं आपको कितनी सारी चीजें, क्योंकि ये हम रैपिड रिवीजन है, आपकी एक एक चीज को मैं कवर करता हुआ चल रहा हूं। तो टॉम है इसका काबुल में, बाबर अपने पिताजी की साइड से तैमूर लंग का वंशज था, और अपनी माँ की साइड से था ये चंगेज खान का, दोनों खतरनाक इन्वेडर। फिर यहां पे आता है ये मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है बाबर के बाद में, फिर शेरशाह सूरी हुमायूं को आने नहीं देता, फिर हुमायूं, फिर उसके बाद में जो कहानी है वो आपको पता ही है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ रहेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Who was given the title of the ambassador of Hindu-Muslim unity for being the architect and mastermind of the historic Lucknow Pact? हिंदी में क्या कह रहा है, ऐतिहासिक लखनऊ संधि के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे दी गई थी। तो अभी बात कर रहा है आपसे लखनऊ पैक्ट की, जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता है फटाफट से एक रिवीजन में आपको दे देता हूं। देखिए लखनऊ पैक्ट आपसे पूछ ले, पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई कि लखनऊ पैक्ट है क्या। लखनऊ पैक्ट क्या है, हर साल कांग्रेस की मीटिंग दिसंबर के महीने में हुआ करती थी, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है वो इंपॉर्टेंट सेशंस जो कि कांग्रेस के रहे, कि मान लीजिए आपसे पूछ लेगा भाई बनारस वाला सेशन, लाहौर वाला सेशन जो जवाहरलाल नेहरू का था, तो उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी जो उस टाइम पे जो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के, वो पूछ सकता है उस साल के। आपसे पूछ सकता है वो किस जगह पे हुआ या उसमें क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन हुआ। तो लखनऊ के अंदर यह सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है, और यहां पे एक पैक्ट साइन हुआ था जैसा कि नाम से पता लग रहा है। तो अभी पढ़ते हैं कौन सा पैक्ट है, लखनऊ के अंदर ये वाला सेशन कब हुआ है। तो ये हुआ है भाई 1916 के अंदर, कब हुआ है 1916 के अंदर। तो ये लखनऊ पैक्ट इसीलिए नाम है क्योंकि कांग्रेस का ये वाला सेशन लखनऊ में हुआ। आपसे पूछ लेगा लखनऊ पैक्ट जब हुआ है तो उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे उस वाले सेशन में, तो उनका नाम भी पेपर में पूछ सकता है। आपका जवाब बनेगा A.C. मजूमदार, क्या बनेगा, A.C. मजूमदार। अब लखनऊ पैक्ट क्या है, क्या हुआ था कि
इसके पीछे आपको थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता देता हूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। अभी इस क्वेश्चन पे आएंगे, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फटाफट से बता रहा हूं ताकि आपकी और चीजें रिवाइज हो जाए। 1906 ये साल आपको ध्यान रखना है, इसमें स्थापना होती है भाई मुस्लिम लीग की। किसकी स्थापना होती है? मुस्लिम लीग की। यानी कि जब तक कांग्रेस एक पावरफुल एक संगठन था, लेकिन मुस्लिम लीग भी अपने आप को अलग कर लेती है। और मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी, तो ये आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो आपका जवाब बनेगा आगा खान साथ में नवाब सलीम उल्ला। ठीक है, अब ये स्थापना होती है मुस्लिम लीग की, कहां पे होती है? पहली मीटिंग इसकी होती है ढाका के अंदर। और मुस्लिम लीग का मेन इंटरेस्ट ये होता है कि मुस्लिम्स के पक्ष में चीजें ब्रिटिशर्स से ज्यादा मांगी जाए। तो तब ये कहीं ना कहीं आइडिया निकल के आता है सेपरेट इलेक्टोरेट का। किसका? सेपरेट इलेक्टोरेट का। और ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोई भी मुस्लिम बहुमत इलाका है तो वहां से कोई मुस्लिम नेता ही खड़ा होगा और उसे वोट भी मुस्लिम ही डाल सकता है। तो आप देख सकते हो ब्रिटिशर्स की बांटो और शासन करो वाली जो पॉलिसी है उसको किस तरीके से इन्होंने प्रमोट किया था, मतलब किस तरीके से देश के टुकड़े किए थे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, ये वाली पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने कब मानी? ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा जरूर हो रही है, लेकिन आप ध्यान से सुनोगे, लाइन से मैं आपको चीजें आपके क्वेश्चन पे ले आऊंगा। सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में ब्रिटिशर्स ने जो है इंट्रोड्यूस कर दिया मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। अब मुस्लिम लीग जो थी इस बात में खुश थी। आगे क्या होता है? अब क्या इस टाइम पे सूरत स्प्लिट भी हो चुका था 1907 में, गरम दल और नरम दल आपस में अलग हो चुके थे। आगे जाते हैं तो 1914 में हो जाती है पहली वर्ल्ड वॉर, और इस वर्ल्ड वॉर के अंदर टर्की के ऊपर हमला कर देती है ब्रिटिशर्स। तो इस बात से, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन खलीफ की होती थी, आगे जाके खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हुई, लेकिन टर्की के ऊपर जो ब्रिटिशर्स ने वॉर छेड़ा था ना, उससे मुस्लिम लीग हो गई गुस्सा। अब वो गुस्सा होने की वजह से, देखिए मुस्लिम लीग पहले ही कांग्रेस से उसकी बनती नहीं थी, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद 1916 जो लखनऊ पैक्ट है इसके अंदर डिसाइड किया कि कांग्रेस जो है वो साथ में प्लस मुस्लिम लीग, अब ये दोनों एक हो गए। तो इसी को कहा जाता है लखनऊ पैक्ट। और इस पैक्ट में क्या साइन हुआ कि हम दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलके ब्रिटिशर्स का सामना करेंगे। और ब्रिटिशर्स इससे डर भी गए थे, हिंदू मुस्लिम एकता फिर से दिखने लगी थी। हालांकि कांग्रेस ने उस टाइम पे इनकी सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो पॉलिसी थी उसको मजे से एक्सेप्ट कर लिया था, वो एक अलग चीज है। लखनऊ के अंदर एक चीज और बड़ी खास होती है, क्या होता है? देखिए लखनऊ पैक्ट के बारे में ही मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। लखनऊ पैक्ट 1916 फिर से रिवाइज कर लो, एसी मजूमदार उस टाइम के प्रेसिडेंट, किसके बीच में संधि हुई? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। साथ ही साथ जो कांग्रेस के दो फैक्शंस थे, कौन कौन से? गरम दल और नरम दल। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट, ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट में, एक्सट्रीमिस्ट प्लस मॉडरेट्स, ये दोनों भी एक साथ आ गए। मॉडरेट्स के अंदर तो जैसे कि आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल थे जो आपके गरम दल के लीडर्स थे, और 1907 की सूरत स्प्लिट के बाद ये लोग भी एक हो गए। तो एक तरह से 1916 का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पर कांग्रेस ने अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लिया था और ब्रिटिशर्स इस बात से कहीं ना कहीं जरूर डरे थे। तो ये वाली जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हुई थी, तो इसके बीच में मध्यस्थता किसने करी थी? तो वो करी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, इसीलिए इनको टाइटल दिया गया। अब आया हूं मैं आपके क्वेश्चन पे। मोहम्मद अली जिन्ना को टाइटल दिया गया अंबेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत। तो आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ये वाला टाइटल इनको किसने दिया? तो ये वाला जो टाइटल इनको दिया गया, ये दिया सरोजनी नायडू ने। तो अब आप देख सकते हो, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता था इन सब चीजों के बारे में, तो मैंने छोटे कम टाइम के अंदर आपको एक रेलेवेंस के थ्रू मैंने आपको चीजें कनेक्ट करवा दी हैं ताकि आप अपने दिमाग में ये फैक्ट्स याद कर पाओ। फैक्ट्स याद करने के लिए भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ना? तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। ये सारी थी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी मैं चल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत सारे हैं। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, स्टैटिक जीके के भी बहुत सारे हैं। अगर आप हिस्ट्री को
कम टाइम में कवर करना चाहते हो, एक रिवीजन चाहते हो मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वो एक ऑलरेडी मैं मैराथन आपका बहुत पहले ले चुका हूँ। मेरे आप हमारे चैनल पे जाएंगे रेडियन लर्निंग पे, आप डालेंगे मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन बाय समृत सर, तो आपको निकल के आ जाएगी वो पूरी की पूरी मैराथन, 2.5 घंटे की है, आपका टाइम बहुत यूटिलाइज होगा वहाँ पे। बाकी ये रिवीजन तो चल ही रही है, यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं आपकी कवर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू बी सिलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले यूरोपीय थे। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, आप लोग भी अपना सपोर्ट दे रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए लेक्चर को, और मैं भी आपसे एक रिवर्ट चाहता हूँ कि आप आगे किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। आप चाहते हो कि मैं सब्जेक्ट वाइज चलूँ, या फिर आपको चाहते हो कि मिक्स्ड में पढ़ाऊँ, या फिर आप चाहते हो किस तरीके से, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आपके लिए फाउंडेशन बैच लाने की, जिसमें कि मैं आपको पॉलिटी से शुरू करवाऊँगा। आप कोई और सब्जेक्ट चाहते हो वो एडवाइस कर सकते हो, तो आप इस चैनल से बन के रहोगे, आपको एक से एक बढ़िया डीप क्लासेस मिलेंगे यहाँ पे, और ये वाली जो 10 क्लासेस है ये आपने अगर देख ली ना, तो आपका एक काफी हद तक एक रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, यूरोपियन पूछ रहा है भाई, अभी मैंने आपसे कहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ सेशंस इंपॉर्टेंट है ना, तो उसमें पूछ रहा है कि ऐसे पूछ लेगा, सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने कांग्रेस के, है ना, सबसे पहले यूरोपीय प्रेसिडेंट कौन बने, सबसे पहले महिला प्रेसिडेंट कब बनी, तो वो सारी चीजें मैं आपको एक बार में लिखवा देता हूँ। देखिए, ये मैं आपको पता है, तो 1885 कांग्रेस की स्थापना होती है, एलन ऑक्टावियन ह्यूम इसकी स्थापना करता है, उस वक्त जो गवर्नर जनरल था इंडिया का वो था डफर, लॉर्ड डफरिन, और 1885 का जो सेशन होता है भाई ये होता है बॉम्बे के अंदर। अभी इस क्वेश्चन पे आएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के सहारे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट सेशंस जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। बॉम्बे में सेशन होता है, इसके प्रेजिडेंट थे उमेश चंद्र बैनर्जी, तो ये तो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पेपर में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एक सेशन आप ध्यान रखेंगे 1886 का, ये सेकंड सेशन था, इसको इरेज कर देते हैं, ये था सेकंड सेशन 1886 में, कहाँ पे होता है, ये होता है कैलकटा के अंदर, है ना, और इसके अंदर जो प्रेसिडेंट थे वो थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और ये जो थे इन्हें कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किताब इन्होंने लिखी थी। सबसे पहले इंडियन ब्रिटिश संसद में सिलेक्ट होने वाले थे दादा भाई नौरोजी, तो ये सवाल भी आपसे पेपर में बन सकता है। ये दो सेशन तो आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं बढ़ रहा हूं आगे, 1886 का हो गया, अब आ जाते हैं 1887 का सेशन, सारे याद नहीं रखने, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। 1887 की जो मीटिंग होती थी हर साल अलग अलग जगह पे होती थी, और दिसंबर के महीने में होती थी, वहाँ पे कुछ ये लोग डिसीजंस लेते थे और उस पर काम करती थी कांग्रेस। 1887 का सेशन होता है भाई मद्रास के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि कांग्रेस के कौन से सेशन के अंदर सबसे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे या वो कौन थे, तो वो थे बद्रुद्दीन तैयब जी। शुरू का टाइम मॉडरेट फेज था, बद्रुद्दीन तैयब जी सारे मॉडरेट नेता थे जो नरम दल के थे। फिर आती है बात हमारे क्वेश्चन का आंसर, 1888 में जो सेशन होता है वो होता है अलाहाबाद में, कहाँ होता है भाई, अलाहाबाद में, और इसके अंदर थे पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट कांग्रेस के, कौन इलेक्ट हुए थे, तो ये थे जॉर्ज यूले। आप देखिए अंग्रेजों से ही लड़ रहे हैं और अंग्रेज ही प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो शुरू में कांग्रेस का माहौल कितना लिबरेटेड था, और किस तरीके से, मतलब नरम दल कह सकते हैं सब अपनी जगह पे सही थे, लेकिन उस समय पे बहुत ही मॉडरेट फेज रहा। फिर आगे जाके इस मूवमेंट को आगे लेके गए स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट में हमारे जो गरम दल के नेता थे, खैर वो हिस्ट्री का एक अलग पार्ट है, ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट सेशन आपको ध्यान रखना है, कौन सा, 1896 का। क्यों है ये इंपॉर्टेंट, 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ठीक है, और इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो एक मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था रहीमतुल्ला एम सायानी, ठीक है,
ये 5 सेशन आपको ध्यान रखने हैं। और कौन सा सेशन ध्यान रखना है फटाफट से बता रहा हूं, कांग्रेस के ये वो सेशन है जहां से बार बार पेपर में क्वेश्चन बनता है। 1905 में लॉर्ड कर्जन कर देता है बंगाल का विभाजन और उसके लिए शुरू हो जाती है स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट। तो 1905 वाला सेशन हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो ये होता है भाई बनारस के अंदर, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले, ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफिशियल अप्रूवल मिलता है इसके अंदर। ये लोग डिसाइड करते हैं भाई स्वदेशी मूवमेंट को बहुत जोर से हम लोग आगे लेके जाएंगे, किसके खिलाफ, जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। गोपाल कृष्ण गोखले से आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या है, हम उसी पे फोकस कर रहे हैं जो बार बार आपसे पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ताकि आप एटलीस्ट इसमें गलती नहीं करोगे। गोपाल कृष्ण गोखले जी को बोला जाता था गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु। क्या बोला जाता था? ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। आने वाले जितने पेपर होने वाले हैं ना, सब में आपको ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिल जाएंगे। एसएससी के तो पेपर के कई सारे क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके लिए, और रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे देख ही रहे हैं। एक बार लास्ट में भी मैं क्या करूँगा, ये जो 10 सेशन है इनको कंपाइल करके एक वीडियो बनवा देता हूँ आपके लिए, ताकि आप उसको साथ के साथ रिवाइज कर लो। मैं जल्दी 3 से 4 दिन में काम मैं आपका कर दूंगा, ताकि आपको एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएँ, और जो बच्चे नए हैं वो भी इस सेशन को आराम से देख सकते हैं। हालांकि नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी देख सकते हो, नहीं तो एक कंपाइल्ड वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के। इनको इन्होंने किसकी स्थापना करी थी भाई? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, फटाफट से लिख लो, ठीक है भाई? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहरहाल हमारा आंसर है, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं, 1905 का सेशन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला इंपॉर्टेंट सेशन है सूरत का, सूरत स्प्लिट जो हुआ था। तो 1907 में कांग्रेस का सेशन होता है कहां पे भाई? तो 1907 में होता है सूरत के अंदर। इसे फेमस सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहां से गरम दल और नरम दल के नेता अपना अपना रास्ता अलग कर लेते और कांग्रेस बिल्कुल वीक पड़ जाती है। इसके बाद गरम दल के अंदर जो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल है ना, और बिंदु घोष और बाल गंगाधर तिलक, इसके बाद बाल गंगाधर तिलक को मांडले जाना पड़ता है जेल में, क्योंकि कांग्रेस तो वीक हो गई, और जैसे ही वीक हुई ब्रिटिशर्स ने उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। 1907 का जो सूरत का सेशन था उसके आपसे कई बार पूछ लेगा भाई प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये थे रश बिहारी घोष। ये भी लिख लीजिए, अगला इंपॉर्टेंट सेशन लिखवा देता हूँ। देख लो अब आप एक क्वेश्चन के अंदर कितने सारे आपके क्वेश्चन, एक तो आपसे ईयर पूछ सकता है, आपसे वेन्यू पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन, तीसरा आपसे पूछ लेगा उस सेशन में क्या हुआ था वो भी बता दिया, चौथा आपसे पूछ लेगा प्रेजिडेंट। तो जितने सेशन हैं उनमें 4-4 क्वेश्चन आपको मिल गए। 1916 का मैं आपको बता चुका हूँ लखनऊ पैक्ट, तो वो नहीं है बताने वाला। और उसके बाद में आप एक ध्यान रख लो 1917 का, 1916 का तो मैंने बता दिया लखनऊ पैक्ट, एसी मजूमदार। 1917 में आपसे पूछ लेगा, पहली बात तो ये सेशन कहाँ होता है, ये होता है कैलकटा के अंदर, और ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट बनी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या वो इंडियन थी? नहीं, वो एक आयरिश महिला थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की इंपॉर्टेंट मेंबर, आयरिश आयरलैंड से थी ये, होम रूल मूवमेंट इन्होंने चलाया, कॉमनवील और न्यू इंडिया नाम के इनके न्यूज़पेपर थे। तो एनी बेसेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है 1917 में, सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट कांग्रेस की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन 1924 बेलगांव, आरआरबी एनटीपीसी में सवाल बना था आपका इसी साल। 1924 बेलगांव का सेशन क्यों है इंपॉर्टेंट? देखिए महात्मा गांधी इतनी इंपॉर्टेंट फिगर थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ एक ही बार वो प्रेसिडेंट बने, और वो बने 1924 में। तो इसमें थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी एक ही बार प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और वो भी 1924 के अंदर। ठीक है, एक सेशन और लिख लो, अगर मैं सारे सेशन लिखवाता रहा तो एक क्लास इसी में चली जाएगी, बट मैंने वो वाले लिखवाए हैं जहां से सवाल बनता है। एक आप लिख लीजिए 1925 का सेशन। 1925 का जो कांग्रेस की मीटिंग होती है वो होती है कानपुर में, और अब सवाल आपसे बनता है कि सबसे पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन बनी, यानी इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये थी सरोजिनी नायडू।
अगर आपसे पूछ ले सिर्फ कि वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी तो एनी बेसेंट, अगर आपसे पूछ ले इंडियन कौन थी तो वो थी सरोजनी नायडू जी। इनका सेशन होता है कानपुर के अंदर, ईयर है 1925। बस इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये थे वो इंपॉर्टेंट सेशन जहां से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में बिल्कुल बनता है। इस क्वेश्चन का आंसर है भाई जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रॉलेट एक्ट के बारे में पूछ रहा है। बस ये एक के दुक्के क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, फिर उसके बाद में आपके स्टैटिक जीके शुरू होने वाला है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और कई क्लासेज में मैं आपको स्टैटिक जीके बड़े तरीके से दे रहा हूँ। डैम्स आप पढ़ चुके हो, फेस्टिवल भी बताता हूँ, ड्रेनेज सिस्टम के क्वेश्चन हर बार मिलते हैं, तो आप जाके वो सेशन जरूर देखना, आपके बहुत काम के हैं। रॉलेट एक्ट 1919 की बात कर रहा है कि भाई रॉलेट एक्ट 1919 की अवधि के दौरान पारित, किसकी अवधि के दौरान पारित किया गया था, क्वेश्चन ये होना चाहिए। तो बात हो रही है उस टाइम पे कौन इंडिया के वॉइसरॉय थे जब ये रॉलेट एक्ट आया था। तो पहली चीज तो ये भाई रॉलेट एक्ट होता क्या है, रॉलेट एक्ट कुछ नहीं है, ये काला कानून था। रॉलेट एक्ट के अंदर आपको बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी ट्रायल के आपको सीधा डाल देंगे जेल में, टॉर्चर कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। ये ब्रिटिशर्स ने कानून निकाला था ताकि किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को वो दबा सके। तो इसको काला कानून का नाम किसने दिया था, तो इसको बोला था भाई ब्लैक एक्ट। किन्होंने बोला था, महात्मा गांधी जी ने इसको बोला था भाई ये तो काला कानून है। और रॉलेट एक्ट की वजह से ही ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कारण आप कह सकते हो कि भाई ये कहीं ना कहीं लीड कर रहा था आपको अमृतसर के अंदर जो जलियांवाला बाग कांड होता है। क्या हुआ था इसके बारे में मैं बता दूं, पहले तो ये बात ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 1919 में अगर आपको ध्यान हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आती है, जिसमें कि जिसको बोला जाता है मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो मोंटेगू यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चेम्सफोर्ड जो थे उस टाइम के वाइसराय थे, तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम के इंडिया के वाइसराय थे। तो ये हो गया आपका आंसर कि भाई किन के टाइम पर रॉलेट एक्ट पास हुआ था। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत हुआ क्या था कि दो इंपॉर्टेंट नेता, जो मेन इंसिडेंट है मैं वही आपको बता रहा हूं, दो इंपॉर्टेंट नेता कौन कौन, सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, ये इम्पॉर्टेंट नेता थे कांग्रेस के, जिनको कि रॉलेट एक्ट के अंदर जेल में डाल दिया गया था। इन्हीं के अरेस्ट को लेकर के एक बहुत ही भीड़ इकट्ठा हुई बैसाखी के अंदर, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे थे 13 अप्रैल 1919 को। तो ये था वो डार्क दिन, 13th of April बैसाखी का पर्व था और जलियांवाला बाग के अंदर एक तरफ की ही उसकी एंट्रेंस खुली होती है, दूसरी तरफ से वो क्लोज है। आज भी अगर आप कभी अमृतसर जाते हो तो आपको मैं बोलूँगा कि एक बार ज़रूर जाके वहाँ पे देखना, अभी तक वहाँ पे बुलेट के निशान हैं, कुआं आपको दिखेगा वो खतरनाक सा कुआं, तो वहाँ पे आपको पता है फिर आगे क्या होता है कि भीड़ इकट्ठी होती है। उस टाइम पे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कौन, वो थे माइकल ओ डॉयर, यहाँ अलग से लिखा है मैंने, तो इसको जनरल डायर से कंफ्यूज मत करना। इसने ऑर्डर जिसको दिया था उसका नाम भी डायर था और जनरल डायर ने आगे ऑर्डर दिया कि भाई इनके ऊपर गोलियां चला दीजिए, और कितने लोग मारे गए थे वो अपने आप में इतिहास है। माइकल ओ डॉयर जो था इसको मार के फिर सरदार उधम सिंह ने बदला लिया था 1940 के अंदर। 1940 कहाँ पे मारा था भाई, इसको मारा था इन्होंने कैक्सटन हॉल के अंदर। तो ये सारी बातें क्वेश्चन से निकल के आई तो मैंने आपको बता दी, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है सरदार उधम सिंह ने किसको मारा, माइकल ओ डॉयर को, कैक्सटन हॉल लंदन के अंदर 1940 में। और आगे जाके जो ये जलियांवाला बाग हुआ उसके ऊपर एक कमीशन बैठी थी, वो भी आपसे पूछ लेगा कि भाई हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है, हंटर कमीशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो उस टाइम की हिस्ट्री थी, तो ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। इसके बाद में फिर खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन गांधी जी का शुरू हो जाता है और वो अपने आप में आगे चल जाती है कहानी। अभी इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और रॉलेट एक्ट से रिलेटेड किस तरीके से जलियांवाला बाग होता है वो भी मैंने आपको बता दिया जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए हमारे देश में सिविल सर्विसेज एक्चुअली शुरू कहाँ से हुई है, डायरेक्टली आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या पूछेगा, वो कहेगा भाई फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा जाता है इंडिया में,
फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, जो आज की डेट में आप प्रशासनिक सेवाएं देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी है जो, वो बहुत हाई लेवल की जॉब्स हैं। और ये शुरू करी थी एक्चुअल में क्योंकि उस वक्त कंपनी का जो रूल था वो अपने पीक पे था और उन्हें भी चाहिए था लोग मैनेज करने के लिए। तो सिविल सर्विसेज के फादर कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है, ये सारी बातें अपने आप में एक एक क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके क्लास के एंड में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड इनकी जो अवधि थी वो थी 1786 से लेकर 93 के बीच में। और इन्हीं के टाइम पीरियड में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है, ये जमींदारी सिस्टम लेके आते हैं और सिविल सर्विसेज को भी इंट्रोड्यूस करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। हालांकि उस टाइम पे मेरिट बेस्ड एग्जाम नहीं होता था, तो एग्जाम के थ्रू सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट नहीं होती थी, अपना पक्षपात और नॉमिनेशन के थ्रू सिविल सर्वेंट्स को कर दिया जाता था। जबकि प्रॉपरली एग्जाम के थ्रू मेरिट बेस्ड कब शुरू हुआ सिविल सर्विसेज का पेपर, तो वो आप ध्यान रखेंगे, वो हुआ था 1853 में एक एक्ट आई थी चार्टर एक्ट, उसके बाद 1854 डलहौजी का टाइम पीरियड था ये, इस टाइम से प्रॉपर इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ। हालांकि एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड इतने ज़्यादा हाई थे कि इंडियंस का क्वालिफाई करना अपने आप में बड़ा टफ था। और 1854 क्या था ना कि मैक्सिमम एज तो भाई 23 साल थी, आप मैक्सिमम आप इमेजिन करिए 23 साल में ही आईएएस बनना, इवन 25-26 लोगों को 30-30 कितना टाइम हो जाता है, और एक सिविल सर्वेंट बनना कितना मुश्किल काम है, सबसे टफेस्ट है उस ज़माने में, और टफ कर दिया, मैक्सिमम एज थी ये, इसके बाद आप ओवर एज हो जाओगे, और मिनिमम एज थी 18 साल। उसके बाद भी जो एग्जाम होता था वो होता था लंदन के अंदर, ठीक है, और उन्हीं की लैंग्वेज में पेपर, तो एक इंडियन का आना कितना मुश्किल है। लेकिन इंडियंस आर ऑलवेज टैलेंटेड, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये तो फैमिली ही इतनी टैलेंटेड थी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविंद्र नाथ टैगोर, अवनेन्द्र नाथ टैगोर। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर सबसे पहले सिविल सर्वेंट बनते हैं 1862 में, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सिविल सर्वेंट सत्येंद्र नाथ टैगोर। और सिविल सर्विसेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मेरे को इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। आगे जाके 1922 में फाइनली इंडिया में एग्जाम होने लगा था इसका, और जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने भी एग्जाम निकाला था सिविल सर्विसेज का, हालांकि इन्होंने देश सेवा में खुद को समर्पित कर दिया था और ब्रिटिशर्स के लिए इन्होंने काम करने से मना कर दिया था। तो कितना बड़ा त्याग है, आप इस बात को सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। कोई भी डाउट हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पे आप पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है आपको, इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, बार बार बोलूँगा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इज रिलेटेड टू, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये है आपका न्यूक्लियर टेस्ट। अब न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में आपको दो चार चीज़ें मैं बता देता हूँ जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है। देखिए क्या हुआ था ना भाई, चाइना ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया था 1964 में। अभी इंडो चाइना वॉर हो चुका था, चाइना का अपने आप में इंडिया पे बहुत बड़ा प्रेशर था। जब इन्होंने न्यूक्लियर पावर टेस्ट कर ली तो इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं तो था प्रेशर। और इंडिया जो है आप मानेंगे कि पहली ऐसी कंट्री बनी जो सिक्योरिटी काउंसिल की 5 कंट्रीज हैं उससे बाहर पहली ऐसी कंट्री बनी जिन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया 1974 में। और इस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी, किसकी थी, इंदिरा गांधी जी की, इंदिरा गांधी। और अब मैं आपको एग्जैक्टली डेट बताऊं तो शायद 18 मई, वैसे तो यही है, हाँ 18 मई वो डेट थी, पोखरण के अंदर। कौन सी जगह पे, पोखरण, पोखरण 1B से कहा जाता है। तो ये वाला टेस्ट हुआ था और इस टेस्ट को, इस ऑपरेशन को नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये है आपका आंसर, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, स्माइलिंग बुद्धा जो है ये पहला न्यूक्लियर टेस्ट था। हालांकि अमेरिका CIA ने इसे माना नहीं कि ये एक सक्सेसफुल टेस्ट था, आगे जाके इनके ऊपर काफ़ी सैंक्शंस भी लगे, बट जो इम्पॉर्टेंट है न्यूक्लियर टेस्ट ये तो है ही है अपने आप में, स्माइलिंग बुद्धा। एक आप ध्यान रखेंगे ऑपरेशन शक्ति, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले, लेकिन फिर रिवाइज कर लीजिए। ऑपरेशन शक्ति ये था पोखरण 2, पोखरण 1 था, अब ये मेन न्यूक्लियर टेस्ट था। इसके अंदर 5 विस्फोट करे गए थे, 5 न्यूक्लियर टेस्ट करे गए थे पोखरण के अंदर ऑपरेशन शक्ति के अंडर। और ये ईयर था भाई
1998 का दिन था 11 मई, ये डेट मत भूलना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है पेपर में कि भाई हमारे यहाँ पे नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब बनाया जाता है, तो इसी दिन को हम याद करने के लिए बनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हम ऑपरेशन शक्ति को बनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ था इसके अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ लिखा है फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, बता चुका हूँ अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बरौनी एंड कहलगांव थर्मल पावर प्लांट्स आर लोकेटेड। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में बरौनी और कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। इंडिया के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल पावर प्लांट से ही निकलती है। थर्मल पावर प्लांट, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मैंने आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में सब कुछ बता दिया, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट बता दिए, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बता दिया। वैसे ही थर्मल पावर प्लांट है कि भाई इसके अंदर हीट जनरेट करी जाती है फ्यूल से, चाहे वो कोयला हो चाहे वो लिक्विड फ्यूल हो डीजल, ज्यादातर कोयला यूज करा जाता है, उस हीट से बिजली पैदा करी जाती है आगे जाके। और इसलिए थर्मल पावर प्लांट आपसे पेपर में बिल्कुल पूछ सकता है। हमारे देश में इंपॉर्टेंट कुछ थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनसे रिलेटेड स्टेट आपसे पूछ सकता है, वही क्वेश्चन है। तो हम एक एक करके सारी स्टेट्स की एक बार लिख लेते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा है तो छत्तीसगढ़ के थर्मल पावर स्टेशंस आप लिख लीजिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी स्टैटिक जीके देखना चाहते हो, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, अलग से स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो स्टैटिक जीके का एक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर वहां पे बहुत आराम से कवर्ड है। टेंपल्स हैं उसमें, डैम्स है, रिवर्स है, इस तरह के टाइगर रिजर्व्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आप वहां जाके उस प्लेलिस्ट का फायदा उठा सकते हो, एक एक सेशन आराम से बैठ के देखो, आप ही के लिए बनाया है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक आपको मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में आप ध्यान रखेंगे सिपत, ये नाम है थर्मल पावर स्टेशन के, सिपत पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान रखना। कोरबा, ये आर है, कोरबा है। एक आप ध्यान रख लो भिलाई, बस वही लिखवा रहा हूं जो पेपर में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ये 3 याद कर लो आप छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट आ जाते हैं बिहार की बात कर लेते हैं, तो बिहार में ये 2 हैं, बरौनी है, बरौनी है, एक है पतरट्टू, ये है। एक आपको ध्यान रखना है कहलगांव, कहलगांव, ठीक है। तो ये 3 आप ध्यान रखेंगे बिहार से इंपॉर्टेंट थर्मल पावर स्टेशन, 3 मैंने आपको छत्तीसगढ़ से बता दिए, 6 क्वेश्चन तो यही हो गए। उसके बाद में और एक ध्यान रखना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन सी एनर्जी को यूज करके, थर्मल एनर्जी को, थर्मल पावर प्लांट्स को, गुजरात से थोड़े से ज्यादा है, लेकिन जो है वो लिखवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट वाले। सबसे पहले आप ध्यान रख लो भाई, गुजरात की राजधानी गांधीनगर के नाम से एक थर्मल पावर स्टेशन है, गांधीनगर है। एक आप ध्यान रखेंगे उकई, एक आप याद रखोगे मुद्रा, मुद्रा, एक आप याद रखेंगे सिक्का। मुद्रा और सिक्का कहीं ना कहीं एक ही बात है, और गुजराती जो है ट्रेडिशन वो ज़्यादातर करेंसी की तरफ ही इंक्लाइंड है, तो मुद्रा सिक्का आप इस तरीके से याद कर सकते हो। गांधीनगर, उकई, मुद्रा, सिक्का और वनकबोरी, बस ये 5 ध्यान रख लो, आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है गांधी गुजरात के, बाकी मैंने आपको पिछली क्लास में कहीं ना कहीं करवाए होंगे जरूर थर्मल पावर प्लांट। वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं, वेस्ट बंगाल में आप एक याद रखेंगे दुर्गापुर, दुर्गापुर, एक मै जिया, मै जिया, एक आपको ध्यान रखना है कोलाघाट, कोला घाट, और एक तो आसान है फरक्का, फरक्का बैरेज है वहां पे, तो फरक्का, बस 4 इसके बताए, 5 इसके बताए, 9, 3, 3, 15 क्वेश्चन आपको इसी के अंदर मैंने दे दिए एक क्वेश्चन के थ्रू। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थर्मल पावर स्टेशंस थे, आगे क्वेश्चन आएंगे और बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बात कर रहा है द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो वो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो NHAI
जो है हमारे देश में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स बनाने में, आपका जो कनेक्टिविटी बनाने का इनका ये काम होता है, और NHIA मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है। NHAI का हेडक्वार्टर आपसे कह रहा है, तो NHAI के बारे में आप एक दो बात ध्यान रखेंगे। पहली चीज़, इसकी स्थापना का जो ईयर है 1995 में NHAI की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है भाई? तो ये होती है न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली। तो हेडक्वार्टर पता लग गया, आपका आंसर आ गया नई दिल्ली। अभी आपसे पूछ लेगा इसकी करंट चेयरमैन कौन है, तो करंट चेयरमैन है इसकी अलका उपाध्याय, उपाध्याय। ठीक है भाई, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज भी आपको याद रखने हैं, है तो बहुत सारे, कितने याद करोगे, लेकिन वो बताऊंगा जो पेपर में इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। अगर क्लास में मज़ा आ रहा है आपको लग रहा है, देखिए आप यहाँ पे अगर आप मेरी क्लास आराम से बैठ के देख रहे हो, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको चीज़ें याद हो रही हैं, तो आपको पता लगेगा आपने 3 से 4, 5, 6 घंटे अपने बचा लिए। अगर आप अकेले बैठ के इसको पढ़ते, चीज़ें निकालते, वो सारा काम ईजी टू डाइजेस्ट फेज में मैं आपके लिए लेके आ जाता हूँ, ताकि आप आराम से सेशन को देखो, वो चीज़ें सारी आपके दिमाग में बैठ गए। मेरा मेन यही मोटिव था, ये 10 सेशंस मेरा लेने का एक ही मेन मोटिव था। जिन्होंने मेरे सारे सेशंस देखे हैं वो इस बात को बिल्कुल एग्री करते हैं बच्चे, कि भाई वाकई में आपने काफ़ी कम टाइम में ये चीज़ें मुझे करवा दी हैं। अब आप जाके ये सेशंस देखना, जो बच्चे नए हैं आपको खुद को फील होगा कि हमने काफ़ी हद तक स्टैटिक GK को भी रिवाइज किया, हमने पॉलिटी भी टच किया, हिस्ट्री भी टच किया, ज्योग्राफी भी टच किया, तो आप आराम से सेशंस को एंजॉय कर सकते हो। बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन की इंडिया में। नेशनल हाईवे बहुत पूछे जाते हैं आपके पेपर में, कौन से पूछे जाते हैं उन्हीं पे फोकस करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला नेशनल हाईवे नंबर 44। आपसे पूछेगा नेशनल हाईवे 7 नहीं है, आप NH7 मत लगाया ना, ये है हमारे देश का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसको मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, किससे किसको कनेक्ट कर रहा है। ये देखो श्रीनगर से लेकर के ये पूरा ऑल द वे डाउन टू कन्याकुमारी। कहाँ पे जा रहा है भाई? कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक नेशनल हाईवे नंबर 44 सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। इस क्वेश्चन का आंसर भी है, ये आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहलाता है। ठीक है, अगर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी होगा, और वो है हमारे देश का दूसरे नंबर का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे, तो वो आपको ध्यान रखना है। ये भाई सेकंड नंबर का है, तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। NH नंबर 27, NH 27 कहाँ से कहाँ तक है? NH 27 गुजरात के पोरबंदर से लेकर के सिलचर असम के अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? पोरबंदर से असम। देखिए ये रहा पोरबंदर, पेन का कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं, ये देखो ये रहा पोरबंदर से लेकर के ये जा रहा सिलचर तक, है ना। तो आप देखोगे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, ये आया 44, ये यहाँ पे इसको काट रहा है 27 को। तो 44 और 27, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ पे मीट करते हैं? तो ये मीटिंग पॉइंट आपसे पूछ सकता है, ये है भाई झांसी। ये आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, झांसी आपको ध्यान रखना है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, दो हाईवे बता दिए, इसके अलावा कौन सा हाईवे इंपॉर्टेंट है? तो हम पेपर में जो हमने देखी है ना चीज़, वो ये है कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है, यानी कि जो 4 इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, इन 4 को जोड़ने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1998 के अंदर। ठीक है, 1998 में इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और इसको हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। क्वाड्रिलेटरल जैसे आपको पता है कि 4 इसके कोने होते हैं, तो वो 4 बिंदुओं को जोड़ रहा है। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 5846 किलोमीटर लंबा है, और दुनिया का 6th सबसे लंबा रोड प्रोजेक्ट है, 6th लॉन्गेस्ट रोड प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो जो नेशनल हाईवेज आते हैं वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये दो तो आएंगे आएंगे इसके अंदर, नेशनल हाईवे 44 ध्यान रखना है, नेशनल हाईवे 27 याद रखना है, उसके अलावा कौन सा ध्यान रखना है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट पूछ सकता है, किसने लॉन्च करा? अटल बिहारी वाजपेयी।
किसको कनेक्ट करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा, चार आपको बता चुका हूं वैसे मैं। तो इसको देख लेते हैं कौन कौन से हाईवे कट करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे नेशनल हाईवे नंबर, ये जा रहा है आपका 48, ठीक है, NH 48। अब आपको बताता हूं ये कहां से कहां तक जा रहा है। ये आपको दिल्ली से शुरू होता है, दिल्ली से लेकर के मुंबई टच करके आपका चेन्नई से आपको जोड़ देगा। तो आपकी देखिए दो मेट्रो सिटीज तो यहीं कवर हो गई। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये निकला आपका नेशनल हाईवे नंबर 48 है ना, और ये गया आपका यहाँ मुंबई टच करा, मुंबई से टच करके इधर आ गया चेन्नई। तो ये आ गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला हाईवे, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। तो एक हो गया NH 48, एक आप ध्यान रखेंगे NH 16, और एक इसका याद रखना है आपको 16 का उल्टा कर दो 6 का NH 19। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए चेन्नई जब आप पहुंचे तो 16 ने आपको कनेक्ट कर दिया कलकत्ता के साथ। इस तरीके से ही आप समझ के याद कर सकते हो नेशनल हाईवे, वरना कोई तरीका नहीं है, ताकि आपके दिमाग में नंबर ध्यान रखना। देखो 44 मैंने आपको बताया, ठीक है, एक 27, एक 48, एक 16, एक 19। 16 नंबर किससे किसको कनेक्ट कर रहा है, तो 16 भाई जा रहा है चेन्नई से लेके कलकत्ता तक, चेन्नई से कोलकाता, ठीक है, और बाद में कोलकाता से लेके नई दिल्ली जा रहा है, कोलकाता टू न्यू दिल्ली। बस ये पांच हाईवे तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। आप देखिए ये है ना, इधर आपको अगर कलकत्ता जाना है आप पकड़िए ना NH नंबर 44 पकड़ो, यहाँ आओ, यहाँ से आप पकड़ लो 19 आपको करेक्ट कर देगा कलकत्ता से इधर। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट हाईवेज। तो ये पांच हाईवेज आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, आपका काम बन जाएगा, काफी चांसेस हैं पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर NH 44, उसके अलावा 27 पोरबंदर से सिलचर, उसके बाद में 48 दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से लेके कलकत्ता NH नंबर 16, और NH 19 हो गया दिल्ली से कलकत्ता। तो ये पांच ध्यान रखना। इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है, देखिए अगर आपसे पूछ रहा है देश का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, तो ये भी चांस है आपसे पूछ सकता है सबसे छोटा कौन सा है। तो शॉर्टेस्ट अगर पूछ ले, ये आया हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। शॉर्टेस्ट अगर पूछ लें तो पुरानी नंबरिंग के हिसाब से भाई 47A, अभी इसका जो नंबर है उसे कहते हैं 966B। दोनों में से कुछ भी आ जाए लगा देना, एक ही ऑप्शन में आएगा। और ये कहाँ पे है, ये केरला के अंदर 8 किलोमीटर का मात्र एक हाईवे है, केरला के अंदर 8 किलोमीटर का है, दो इंपॉर्टेंट जगहों को जोड़ता है, 8 किलोमीटर का हाईवे शॉर्टेस्ट है सबसे। क्लियर है इतना। और एक शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी ने अपने टाइम में बनवाया था, फरीद ने, और ये है आपका जीटी रोड। इतनी बड़ी है कि ये कलकत्ता से पेशावर को जोड़ रही है, कोलकाता से पेशावर, बस ये ध्यान रखना। और ये है आपका NH 1, इसको आप NH 1 के नाम से भी जानते हो। तो ये है आपकी शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी रोड भी इसको कहा जाता है। नेशनल हाईवे से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से यहीं से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर अलग से टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं अलग से भी करवा दूंगा, हालांकि क्वेश्चन यहाँ से बनने के बहुत चांसेज हैं। तो आई होप इतना क्लियर होगा, कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। Which of the following is the second longest national highway in India? फिर revision हो जाएगा। National highway number 27 कहाँ से कहाँ तक? गुजरात के पोरबंदर से सिलचर तक। और ये दोनों एक दूसरे को मिलते कहाँ पे हैं? तो ये झांसी का इनका जंक्शन है, झांसी पे ये लोग मिलते हैं, दोनों जो नेशनल हाईवे है 44 और 27। 16 नंबर बताया था आपका चेन्नई से लेके कलकत्ता तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट किस किस को जोड़ता है? तो चार इंपॉर्टेंट शहरों को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आई होप इतना क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो अभी बात कर रहा है आपसे टाइगर रिजर्व की। देखिए इंडिया में अभी कुल मिला के टोटल है 53 टाइगर रिजर्व, कितने हैं 53 टाइगर रिजर्व हैं। भाई टाइगर रिजर्व क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे क्लास में कि आपको फैक्ट्स में डायरेक्टली
नहीं दे रहा हूँ, जैसे ज़्यादातर टीचर्स आपको फैक्ट्स फटाफट से क्लास के अंदर आए और देते गए, मैं आपको चीज़ें थोड़ी सी बेसिक से उठाता हूँ, ताकि आपके बेशक ये रिवीजन कोर्स है, मैं चाहूँ आपके लिए एक के बाद एक क्वेश्चन करा के मेरा काम हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा, लेकिन इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी। तो मेरा वो टास्क रहता है कि आपको चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1973 में, एक्चुअली में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 72 में। तो 1973 में सरकार डिसाइड करती है कि कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या नेशनल पार्क हो जहाँ पे टाइगर की जनसंख्या बचानी ज़रूरी है, उनका कंजर्वेशन, उनका संरक्षण ज़रूरी है, तो उस नेशनल पार्क हो या टाइगर रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, उसको हम स्टेटस दे देंगे टाइगर रिजर्व का। और स्टेटस मिलने का मतलब है कि आपको फंड्स मिलेंगे, उसके लिए आप अच्छे से और अच्छे से संरक्षण कर सकते हो। तो टाइगर रिजर्व अलग से कुछ नहीं होता, कोई भी नेशनल पार्क है उसे टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिल सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे मिल सकता है। तो अगर आपको सारे टाइगर, आपको सारे नेशनल पार्क भी याद है, तो ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादातर टाइगर रिजर्व अपने आप में याद हो गए, ठीक है। तो नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व का हालांकि पूरा एक लेक्चर ले चुका हूँ, जिसमें कि मैंने आपको 53 के 53 टाइगर रिजर्व बताए हैं, और वो जाके आप कहाँ देखोगे, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में पड़े हैं, जाके देख सकते हो। ये थी सारी कहानी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। टाइगर रिजर्व आई होप आपको पता लग गया होगा क्या है। टाइगर का सेंसस होता है, जैसे हम इंसानों का सेंसस होता है वैसे टाइगर का सेंसस होता है हर 4 साल के अंदर। इसका हर 4 साल में होता है, हमारा 10 साल में होता है। 4 साल में जो सेंसस होता है उसका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो आया भाई 2018 में, और इसके मुताबिक इंडिया में 2967 टाइगर्स है, और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी टाइगर्स है उसका 80% हिस्सा सिर्फ इंडिया के अंदर है, यानी इंडिया के अंदर टाइगर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और हमने अपने टाइगर 2006 से लेकर के 2008 के अंदर डबल कर लिए। तो सोचिए आपने इंडिया ने कितना अच्छा प्रोग्रेस करा है, ऑलमोस्ट अब 3000 से ऊपर हैं टाइगर्स इंडिया के अंदर, 3000 प्लस टाइगर्स हैं उसके अंदर भी। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश के अंदर, कहाँ पे, MP के अंदर, फिर कर्नाटका में, फिर महाराष्ट्र में। हालांकि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि टाइगर रिजर्व जो हैं इंडिया में हैं काफ़ी हैं, 53 टाइगर रिजर्व हैं और इतने टाइगर्स अभी इंडिया में हैं लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से। एक आपसे पेपर में पूछ लेगा भाई टाइगर डे कब मनाते हैं, मैं कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ना नहीं चाहता, कोई क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है पेपर में। तो वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है भाई 29 जुलाई को, अभी हाल ही में गया 29 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है 29 जुलाई 2010 के अंदर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज थी। टाइगर रेंज कंट्रीज का मतलब होता है जहां पे टाइगर पाया जाता है। तो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज बैठी थी एक मीटिंग के अंदर, और वो मीटिंग थी कहां पे, सेंट पीटर्सबर्ग में। कहां पे थी, सेंट, स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर देना लेकिन आपको चीजें समझ में आ रही हैं, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी मीटिंग होती है 2010 29 जुलाई को होती है, और वहाँ पे डिसाइड होता है कि हम अपनी टाइगर की पॉपुलेशन को इनटू टू करेंगे, सारी जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है। हालांकि इंडिया ने अपना टारगेट पहले ही पूरा कर लिया है, तो ये काफी गर्व की बात है। टाइगर रिजर्व पे अब आ जाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, ये तो होगी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ से भी ये फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाएंगे। आपसे पूछ लेगा फलाना फलाना टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसके लिए आपको टाइगर रिजर्व के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं जितने इंपॉर्टेंट आपको बता सकता हूँ स्टेट वाइज बता देता हूँ, चीज़ें ध्यान रखना, MP से ज़्यादा ध्यान नहीं रखना जो बता रहा हूँ वो चीज़ें, ठीक है। पन्ना, पेंच, काना, संजय, दुबड़ी, ये नेशनल पार्क भी है और ये टाइगर रिजर्व भी है। तो अपने आप ऑटोमेटिकली अगर आप टाइगर रिजर्व कर लोगे आपको नेशनल पार्क भी याद होगा, नेशनल पार्क कर लिए तो टाइगर रिजर्व भी हो गए। किसी किसी नेशनल पार्क को स्टेटस मिलता है टाइगर रिजर्व का, सबको नहीं मिलता। किसी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टेटस मिलता है टाइगर रिजर्व का, सबको नहीं मिलता। ये 4 है बस MP से याद करने वाले, ज़्यादातर MP के पूछे जाते हैं कि भाई पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, आपका आंसर बन जाएगा MP के अंदर, पन्ना, पेंच, काना और संजय दुबड़ी। नेक्स्ट को उस पर आ जाते हैं ऑप्शन पे, एक एक करके तो आपको आंसर मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। कर्नाटका की बात कर लेते हैं, कर्नाटका में एक आप ध्यान रखेंगे भद्रा टाइगर रिजर्व, एक अंशी, एक नागरहोले, ये मैं आपको लास्ट क्लासेस में नेशनल पार्क भी बता चुका हूँ, और एक है बिलगिरी, ये टेंपल भी है बिलगिरी रंगनाथ,
टेम्पल, टाइगर रिजर्व, ये चार आपको कर्नाटका से याद रखने हैं, भद्रा, अंशी, नागरहोले और बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व। हो गया, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर है आपका इंद्रावती, इंद्रावती, उदांती, सीता नदी, उदांती सीता नदी है, आई है उदांती सीता नदी। एक आपको याद रखना है अचना कमर, अचना कमर, और एक इस क्वेश्चन का आंसर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। बस ये चार आपको छत्तीसगढ़ से याद रखने हैं। और उत्तराखंड के तो बहुत आसान हैं, दो, जिम कॉर्बेट और राजा जी। अगर आपसे पूछ ले हमारे देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो यही है जिम कॉर्बेट। 1936 के अंदर बना था, इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, बाद में जिम कॉर्बेट नाम रख दिया गया। जिम कॉर्बेट एक बहुत बड़े शिकारी थे जिन्होंने उस टाइम पे तकरीबन 900 या 1000, जहाँ तक मुझे ध्यान है, टाइगर इन्होंने मारे थे। क्यों मारे थे? आदमखोर टाइगर थे वो, ऐसा ये कहते हैं। तो जिम कॉर्बेट एंड राजा जी, ये दो नेशनल पार्क्स हैं आपके उत्तराखंड के अंदर। सबसे पुराना पूछ ले तो जिम कॉर्बेट है, इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल देते हैं। अब वही टाइगर रिजर्व पूछ रहा है, भाई नामेरी और काजीरंगा कहाँ है? तो नामेरी काजीरंगा प्लस औरांग प्लस मनास प्लस सुंदरबन। सुंदरबन अपने आप में टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ वो भी है आपका, बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो सुंदरबन तो इतनी रिच जगह है सुंदरबन, हालांकि मैंने गलत लिख दिया, ये वेस्ट बंगाल में है, तो फ्लो फ्लो में मैं थोड़ा सा बह गया, बट आपको ये ध्यान रखना है चार यहाँ से, कहाँ से? आपके असम से, असम में है नामेरी, काजीरंगा, ओरांग एंड मनास, ठीक है। आंध्रा से, आंध्रा से एक ध्यान रखना है, कौन सा? नागा अर्जुना श्री साइलम, नागा अर्जुना श्री साइलम टाइगर रिजर्व। बस एक ये यहां से ध्यान रख लो। अरुणाचल से आप याद रखेंगे नामडफ, एक नामडफ याद रख लो, एक कमलंग, नामडफ और कमलंग, बस ये आप याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये चीजें पूछी जा सकती हैं। बिहार से सिंगल टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। तो ये हो गया आपका आंसर। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा है मैं समझ सकता हूं, बट आपका ये एक से डेढ़ घंटे के जो भी मेरी क्लास होती है, मेरा मोटिव ये रहता है आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज कर लो, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप यहां से लेके जाओ। जीके कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइज वे में जरूरी है। तो हालांकि क्वेश्चन फिर भी एक के बाद एक, मतलब अलग अलग टॉपिक से हैं, बट मेरा मोटिव ये रहता है कि आपको चीजें दिमाग में एकदम एक्यूरेटली और प्रॉपरली बैठे, ताकि आपको चीजें याद रहें, है ना। लेक्चर अच्छा लग रहा है फिर कह रहा हूं उसको शेयर करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब जरूर करें। नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज जनरली सीन इन द टेम्पल्स ऑफ डैश इंडिया, नागर शैली की वास्तुकला आमतौर पर डैश भारत के मंदिरों में देखी जाती है। तो इसमें तीन तरह की आप शैली ध्यान रखेंगे, एक तो नागरा, एक द्रविड़ा, पेपर में बस ऐसी क्वेश्चन बनेगा इजी सा, और एक वेसारा। क्या है भाई नागरा स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है वो आपको नॉर्थ इंडिया के मंदिर में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर की एक जो मेन आप देखोगे तो दो उसमें बिल्डिंग होती है, एक तो शिखर होता है मेन, और एक होती है जिसके अंदर मेन श्राइन रखी जाती है। तो नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स हैं उसके अंदर आपको नागर स्टाइल मिलेगा, द्रविड़ा साउथ इंडिया के मंदिर, और जहां पे ये दोनों कलाओं को मिक्स करके आर्किटेक्चर बनता है तो वो है आपका वेसारा। तो ये मिक्स है, मिक्स किसका? द्रविड़ा का और नागरा स्टाइल का। बस इस क्वेश्चन में यही थी चीज बताने वाली। अगर टेम्पल से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है आपके, तो एक तो आप वो पूरा सेशन देख सकते हो, टेम्पल्स मैंने पूरा अच्छे से कवर करवाया है, और कुछ इंपॉर्टेंट मैं अपने सेशन में भी ले चुका हूं, एक आधा क्वेश्चन आ गया तो अब यहां से भी हम कवर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमृतसर में स्थित है? चारों ऑप्शन को आराम आराम से करेंगे, देखते हैं।
अभी बात कर रहा केदारनाथ टेम्पल की, यानी कि उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से आपसे पेपर में आने वाले क्वेश्चन कौन से हैं, मैं हर क्लास में आपको ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि चीजें जो हैं ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन से निकाल ले। उत्तराखंड के अंदर आपको चार टेम्पल इंपॉर्टेंट ध्यान रखने, कौन कौन से, अभी इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा ताकि आपके चीजें दिमाग में एक बार को कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ जो आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गंगोत्री और भाई यमुनोत्री, यमुनोत्री। अब आप नाम देख के समझ सकते हो कि ये चारों के चारों हैं छोटा चार धाम। ये चार धाम में आते हैं लेकिन ये मेन चार धाम नहीं है, ये छोटा चार धाम है। जब आप उत्तराखंड जाओगे तो ये चार धाम कर सकते हो। ये अपने आप में इन टेम्पल्स की सिग्निफिकेंस ये है, इनके पास से इंपॉर्टेंट एक एक नदी निकल रही है। कौन सी? गंगोत्री से, बताने की जरूरत है, गंगा नदी। गंगा की मेन स्ट्रीम का क्या नाम है? भागीरथी, भागीरथी। और भागीरथी जब अलकनंदा को मिलती है देवप्रयाग पे, तब उसका नाम पड़ता है क्या? गंगा, माँ गंगा। गंगोत्री से निकली भागीरथी। यमुनोत्री से नाम पता लग रहा है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुना, तो यहाँ पे हो गया यमुनोत्री टेम्पल। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से निकलती है आपकी कौन सी नदी? अलकनंदा, जो जाके मिलती है भागीरथी को देवप्रयाग पे। तो अलकनंदा के किनारे है ये, अलकनंदा। आपसे पूछ सकता है कि बद्रीनाथ कौन सी नदी के किनारे है, आपका जवाब बनेगा अलकनंदा। बची केदारनाथ, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी और मंदाकिनी मिलती है जाके अलकनंदा को, और ये दोनों मिलती हैं रुद्रप्रयाग पे, फिर ये एक धारा बन के गंगा भागीरथी को मिल जाती है, मंदाकिनी। हो गया, केदारनाथ जो है मंदाकिनी नदी के किनारे है, बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे है, गंगोत्री के किनारे है भागीरथी, और यमुनोत्री के किनारे है यमुना। अब इसमें से और क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं इंपॉर्टेंट? देखिए, केदारनाथ जो है ये मंदिर चार धाम में तो है ही है, छोटे चार धाम में, साथ के साथ ये ज्योतिर्लिंग भी है। हमारे देश के अंदर टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इन टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग आपको उत्तराखंड में मिलता है जो कि केदारनाथ है। तो ये पार्ट हो गया छोटे चार धाम का और ज्योतिर्लिंग का भी। अब बद्रीनाथ की क्या खास बात है? बद्रीनाथ विष्णु भगवान को समर्पित है। बद्रीनाथ का जो मंदिर है ये छोटा चार धाम में भी आता है और बड़े चार धाम में भी आता है, तो ये मेन चार धाम आप बोल सकते हो, मेन चार धाम में भी आता है। और मेन चार धाम में कौन से चार मंदिर आते हैं? बद्रीनाथ उत्तराखंड में, मैं आपको बता चुका हूं अपने लेक्चर में, गुजरात में द्वारकाधीश का मंदिर, साउथ में जाओगे रामेश्वरम, और आप ईस्ट में जाओगे तो ओडिशा का जगन्नाथ पुरी टेम्पल। तो ये थी कहानी सारे उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट मंदिरों की, तो ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस पे आ जाते हैं, ऑप्शन पे, दिलवारा जैन टेम्पल, बात कर रहा है राजस्थान की, राजस्थान की। इतनी ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको कहीं पे भी, आप जाके देख लो, आपको कहीं पे भी इतने तरीके से आपको स्टैटिक जी के नहीं रिवाइज करवा सकता कोई भी। एक टॉपिक में आपको मल्टीपल टॉपिक से क्लास में करा देता हूँ। राजस्थान, राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान से आपको चार मंदिर ध्यान रखने हैं। पहला हो गया यही वाला दिलवारा टेम्पल, दिलवारा। एक आप ध्यान रखोगे भाई रणकपुर टेम्पल, रणकपुर। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है बिरला टेम्पल, बिरला। और एक आपको याद रखना है कौन सा? बिरला हो गया, रणकपुर हो गया, एक है करणी माता टेम्पल, करणी माता टेम्पल। अब सबके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन। दिलवारा जो है ये जैन टेम्पल है, ये माउंट आबू में लोकेटेड है, माउंट आबू अरावली हिल्स के अंदर, हाईएस्ट पॉइंट माउंट आबू। और अरावली हिल्स का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? गुरु शिखर, बताया मैंने, माउंट आबू के अंदर। अच्छा, ये बनवाया किसने था? कई बार पेपर में बनता है क्वेश्चन, तो ये बनवाया था 1031 AD में बनवाया था। किसने बनवाया था? तो विमल शाह ने बनवाया था, विमल शाह ने। ये इंफॉर्मेशन आपको दिलवारा जैन मंदिर से ध्यान रखनी है। रणकपुर भी एक जैन टेम्पल है, ठीक है। और ये किसको समर्पित है? ये जो पहले तीर्थंकर थे ना ऋषभदेव, उनको समर्पित है ये वाला मंदिर, ऋषभदेव। टोटल 24 तीर्थंकर रहे हैं जैनियों में, पहले है ऋषभदेव, एक 23वां ध्यान रखना पार्श्वनाथ, और 24 तो है ही वर्धमान महावीर। बिरला टेम्पल की बस आप लोकेशन ध्यान रखेंगे, जयपुर के अंदर है,
हालांकि ये बहुत जगह पे है लेकिन जयपुर वाला फेमस है। और करणी माता टेम्पल किसके लिए फेमस है, इसे टेम्पल ऑफ रैट्स भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे चूहे मिलेंगे आपको, टेम्पल ऑफ रैट्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है आपकी राजस्थान के मंदिरों की। तो ये सारे अपने आप में एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप चीज़ें आराम से आपको समझ में आ रही हैं। मणिकरण और एक हिडिंबा देवी टेम्पल आप ध्यान रख लेना, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ, हालांकि मंदिर तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो ये है हिमाचल प्रदेश में गोल्डन टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डन टेम्पल को आप जानते हैं दो और नाम से, कौन कौन से? एक तो दरबार साहिब इनको कहा जाता है, दरबार साहिब, और एक हर मंदिर साहिब। तो आपसे पेपर में बन सकता है क्वेश्चन कि भाई हरमिंदर साहिब कौन से श्राइन को बोला जाता है, गोल्डन टेम्पल को। कहाँ पे है ये? अमृतसर में है, सबको पता है। गोल्डन टेम्पल को बनवाया किन्होंने था? तो इन्हें 1604 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई थी फिफ्थ सिख गुरु, कौन से? फिफ्थ सिख गुरु, गुरु अर्जन देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी। और मैंने आपको आखिरी क्लास में बताया था गुरु अर्जन देव जी को मारने का ऑर्डर किसने दिया था, तो वो था जहांगीर ने। और ये है फिफ्थ सिख गुरु, और इसकी वैसे नींव जो रामदासपुर पहले कहा जाता था अमृतसर को, और वो डाली थी गुरु रामदास ने, जो चौथे सिख गुरु थे, फोर्थ थे गुरु रामदास। इतना क्लियर है? अच्छा, आपसे पूछ लेगा गोल्डन टेम्पल के ऊपर, इतना मैं अब इरेज कर रहा हूँ। गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो गोल्ड की, आप जो इम्पोर्टेंट गोल्ड की जो परत देखते हो, वो किसने डलवाई थी? तो वो जब इसकी रेनोवेशन करवाई थी, वो डलवाई थी राजा रंजीत सिंह ने। किसने? राजा रंजीत सिंह जी ने। बस ये सारी इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी टेम्पल से रिलेटेड, आई होप इतना क्लियर होगा। इस पे आ जाते हैं, इन विच ईयर डिड टर्किश मुस्लिम रूलर, बस थोड़े से आखिरी के दो तीन क्वेश्चन और है, इतना रुके हो, थोड़ा सा और रुक जाओ। फिर से बोल रहा हूँ, चैनल से जुड़ जाओ, आगे आने वाले टाइम में बेसिक से चीज़ें आपको बहुत कम टाइम में मैं करवा दूंगा। आप यकीन मानिए, आपको मैं पॉलिटी अब आगे करवाने वाला हूँ, एक एक चैप्टर इतने बढ़िया तरीके से कराऊंगा, चाहे आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, सी डी एस हो, सी पी एफ हो, और सी डी एस सी पी एफ में तो वो काम आएगा, मैंने खुद मल्टीपल टाइम वो एग्ज़ाम क्रैक करा है। सी डी एस सी पी एफ एस एस सी है, आपका रेलवे है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर आपको ये वाले जो अब मैं आपको कोर्स करवाऊंगा पॉलिटी का, वो आपका काम आएगा। और आगे हिस्ट्री भी करेंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे, अब बस सपोर्ट कीजिए चैनल को। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, गजनी के तुर्की मुस्लिम शासक महमूद ने किस वर्ष सोमनाथ मंदिर को लूट कर गुजरात पर आक्रमण किया था? ठीक है, अब बात कर रहे हैं सोमनाथ टेम्पल की, तो हम स्टेट पकड़ते हैं पहले गुजरात। गुजरात से अभी आप ध्यान रख लीजिए कौन कौन से मंदिर, एक तो आप याद रख लो भाई सोमनाथ का टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। और एक आप ध्यान रख लीजिए नागेश्वरा टेम्पल, नागेश्वरा टेम्पल। अब आप पूछेंगे ये दो टेम्पल में कॉमन चीज क्या है, इन दोनों टेम्पल में कॉमन ये है कि यहाँ पे गुजरात में टोटल दो ज्योतिर्लिंग हैं, और यही वो दो ज्योतिर्लिंग हैं। इसके अलावा अभी बताता हूँ मैं आपको, पहले ये दो समझ लीजिए। सोमनाथ का जो मंदिर है 1025 ईस्वी के अंदर आता है टर्किश इन्वेडर महमूद गजनवी, और महमूद गजनी ने उस टाइम पे जो इनके यहाँ पे रूलर थे वो थे भीमावन किंग, थे भीमा प्रथम, और आके पूरा तहस नहस कर दिया था सोमनाथ का टेम्पल। तो वो एक महमूद गजनी ने टोटल 17 रेडें डाली थी इंडिया के अंदर, तो 1025 में वो रेड करी थी इन्होंने सोमनाथ मंदिर पे। हालांकि इस मंदिर को आगे कई बार बनवाया गया, और आज की डेट में तो इतना भव्य मंदिर है ये। सोमनाथ टेम्पल से अगर आपसे पूछ ले कि अभी इस ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है, सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन, तो अभी खुद पीएम मोदी है, ये इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं सोमनाथ मंदिर के, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नागेश्वर टेम्पल नाम याद रख लो, ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। और एक गुजरात से आप ध्यान रख लीजिए द्वारकाधीश मंदिर, द्वारकाधीश टेम्पल, क्यों? क्योंकि ये चार धाम में से एक है, चार धाम मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बस आखिरी के कुछ क्वेश्चन बचे हैं।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड एट, कह रहा है भारत विमान पतन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी 1995 में रखी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है ये, और ये जो है अभी इसकी जो करंट चेयरमैन है वो है संजीव कुमार जी। कौन है? तो ये आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर का भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन भी कवर हो गया यहाँ से, संजीव कुमार, और इसका हेडक्वार्टर यहीं है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और अभी वो मिनिस्टर हैं कौन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये भी आप चीज़ें याद रख सकते हो। इतना क्लियर होगा आई होप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बस एक दो क्वेश्चन और बस आखिरी के एयरपोर्ट के। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो आप हमें बता सकते हो, आपका रिव्यू बहुत मैटर करता है हमारे लिए। ये सारी सीरीज को मैं कंपाइल करवा दूंगा एक, ताकि आप आसानी से एक जगह पे इसको अवेल कर पाऊँ। वेयर इज द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड, राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो भाई हैदराबाद के अंदर है, सिंपल सी बात है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई में है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी आपसे पूछ ले कहाँ पे है, तो आप नाम से ही बता सकते हो, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन मुंबई। अहमदाबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये भी सरदार, तकरीबन 35 अभी इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाकी डोमेस्टिक भी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये चार जगह के इंपॉर्टेंट चार एयरपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब वो पूछ रहा है विच ऑफ दीज एयरपोर्ट्स इज सिचुएटेड इन वाराणसी, वाराणसी में इनमें से कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, एक एक ऑप्शन देख लेते हैं, तो भाई ये है लखनऊ के अंदर, हाथ की हाथ लिख लीजिए, अपने आप में याद रखना है आपको, डायरेक्ट पूछ सकता है चौधरी चरण सिंह कहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लोकनायक जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये है भाई पटना के अंदर, कहाँ पे है जी पटना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कलकत्ता में, कोलकाता, एक वहां पे बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, सिलीगुड़ी के अंदर है वो, हाँ, तो कलकत्ता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपके क्वेश्चन का आंसर, जो कि है वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये थे इंपॉर्टेंट कुछ एयरपोर्ट से, एक क्वेश्चन और बचा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर मिसमैच, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प बेमेल हैं, यानी कि आपस में उनका रिलेशन सही नहीं दिखाया हुआ, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताया मैंने अभी लखनऊ में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताया मैंने अभी नई दिल्ली में है, देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भाई इंदौर में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, यानी आंसर होना चाहिए ये, इसका तो मैच ही नहीं दे रखा है, तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज इन वाराणसी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आई होप आपने इंजॉय किया होगा आज की क्लास को, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, कोई डाउट हो बिल्कुल पूछ सकते हो, इतनी उम्मीद मैं रखता हूँ। अगर आपने सेशन को देखा है, आपको पसंद आया है, तो इसको आपने लाइक भी करा है, शेयर भी करा है, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, चैनल से जुड़ जाओ, आगे आपको ऐसे फाउंडेशन कोर्सेज जो है मेरा आइडिया है आपको मैं पढ़ाऊंगा, पॉलिटी के आपको लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, और जो बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना आगे, उनके लिए तो ये चैनल पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हालांकि हमने उनके लिए एक बुक डिज़ाइन करी है, बहुत शानदार किताब है, आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर पे इसको देख सकते हो, पहले जाइए इस किताब के अंदर, आपको फीचर्स मैं बता देता हूँ कि इस पर तकरीबन 5000 के करीब प्रीवियस ईयर ऑथेंटिक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चंस हैं जो लेटेस्ट अब तक पूछे गए हैं, जो आपके 2021-2022 के पेपर हुए हैं उसके अंदर भी, सिर्फ एसएससी से रिलेटेड, सीपीओएस में, सीजीएल है, सीएचएसएल है,
सारे क्वेश्चंस को हमने लेके और इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशंस, प्रॉपर आंसर। बहुत ही मिनिमल प्राइस पे आपको बुक अवेलेबल है मार्केट में। एक बार आप जाइए इस बुक के गो थ्रू कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस किस तरीके से पेपर में पूछे जाएंगे वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता। बहुत ही रेलेवेंट किताब है, मोस्ट रिकमेंडेड बुक है आपके लिए। तो आप जाके Amazon और Flipkart से भी ले सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप जाके अपने नजदीकी बुक स्टोर पे भी पता कर सकते हो। आई होप आज का लेक्चर आप सबने एंजॉय किया होगा। तो मिलता हूं मैं आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ये वाली सीरीज आपने अच्छे से रिवाइज करनी है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्पेशली उनके लिए जिनका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है। तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।